है तगड़ी वाली, तो है ना वो इस पोर्शन पे हुआ है, इस पोर्शन में ना मतलब कि पूरा अंदर यहाँ से पूरे पैर में लगी हुई है और यहाँ तक बिल्कुल सुरक्षित है भाई। इसमें मेरे को प्राउड फील होता है, ये इसका कुछ हो गया तो बहुत दर्द होता है इसको। मैं उसको हेल्प कर रहा था थोड़ा सा, मतलब कि जो गली वाली है ना वहाँ पे थोड़ी सी वो ज्यादा थोड़ी ब्रेकर्स वगैरह ज्यादा, तो मैं थोड़ा हेल्प कर रहा था उसको यार स्कूटी चलाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा चलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसको हाथ में लगी हुई है और जमीन में पैर रखता तो वहाँ पे भी लगी हुई है। मैंने इसलिए इस वीडियो का ब्लॉग बनाया मतलब कि इसका, क्योंकि यार ये मेन रोल प्ले किया था जब मेरा मतलब कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने इस पर 2-3 ब्लॉग्स निकाले थे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारा फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज जो दिन की शुरुआत हो रही है आज थोड़ी गंदी सी हो रही है, क्योंकि एक बैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, और मतलब कि दिन आज अच्छा नहीं, मतलब कि जो हुआ उस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उस चीज़ के लिए। तो आज की मतलब की शुरुआत हो रही है 12:01 बजे हो रही है, आज ब्लॉग भी थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। और तुम्हें बताऊँ तो मतलब कि जिस वीडियो मतलब कि बाइक से स्कूटी से मैंने मतलब अपना चैनल स्टार्ट किया था, मतलब कि मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मतलब कि उसका कल एक्सीडेंट हो गया, और मतलब कि जो दोस्त चला रहा था इसकी स्कूटी थी जिस टाइम मेरे को हेल्प करी थी उसने, तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया कल। तो वो न्यूज़ सुनने के बाद फिर मेरा ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। अब जो तुम ब्लॉग देख रहे हो ना वो अभी थोड़ी देर पहले शूट हुआ है और आज ही अपलोड हो जाएगा वो, तो मैं तुमको उसकी एक बार स्कूटी का हालत दिखाता हूँ। मैं भी ये ब्लॉग अभी शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी उसको पटक के आने, मतलब कि सर्विस सेंटर पटक के आने, और वो भी सर्विस सेंटर भी मेरे मतलब कि घर से ना 40-50 किलोमीटर दूर है यहाँ से जयपुर से थोड़ा सा पहले। तो मैंने सोचा कि तुमको भी एक बार दिखा दूँ मतलब कि जिस चीज़ से अपने स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग करी थी अपने चैनल की, तो उस चीज़ की अभी क्या हालत है तो तुमको मैं दिखाता हूँ, मतलब कि कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ ना उसका। ये देख लो यहाँ से ब्रेक होता है ना, ये देखो यहाँ से पूरा टूट गया, तुमको दिख रहा होगा यहाँ से पूरा ब्रेक वगैरह टूट गया इसकी, यहाँ इतनी गंदी हालत है, यहाँ पे रब वगैरह हो गई, और ये इस जगह पर से देखो पूरी एक्टिवा वगैरह हो गई है, पूरी दब गई यहाँ से, और ये सब चीज़ें टूट गई इसकी, यहाँ पर पूरा स्क्रैच हो रखा है। तो ये स्कूटी वो है मतलब कि अभी रिसेंटली जो खरीदी थी मेरी बाइक से, इसको 2-3 वीक पहले खरीदा था इस बाइक स्कूटी को, तो इसकी इतनी बुरी गंदी हालत हो गई। और ये साइड में अपनी आरएस खड़ी है, तुम देखो ये अब तक बिल्कुल सुरक्षित है भाई। इसमें मेरे को प्राउड फील होता है, ये इसका कुछ हो गया तो बहुत दर्द होता है इसको, बट फिर भी मतलब कि मेरे दोस्त है, ये भी स्कूटी वो है मतलब कि जिससे मैंने स्टार्ट करा चैनल, जिससे ग्रो किया था चैनल, तो इसका भी बहुत दुख है मेरे को यार। और जितनी लगी है ना मैं तुमको लगी हुई दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो भाई के पैर में लगी हुई है तगड़ी वाली, यहाँ से पूरे पैर में लगी हुई है और यहाँ पे हाथ में लगी हुई है तगड़ी वाली। तो मतलब कि जो एक्सीडेंट था ना मतलब कि स्कूटी स्लिप हो गई, आगे का ब्रेक लग गया इमीडिएटली गलती से, और ये स्कूटी थी ना वो स्लिप हो गई। तुमको पता है जैसे कि जो स्कूटी का टायर होता है ना आगे वाला बहुत जल्दी स्किड मारता है, और ये जो सीमेंटेड रोड है ना मतलब कि जो डामर वाला रोड होता है ना उस पर तो फिर भी ब्रेकिंग अच्छी कर लेते हैं, जो सीमेंटेड रोड होता है ना उन पर इनका टायर मतलब कि रब हो जाता है और ये वो हो जाते हैं। तो जैसे इमीडिएटली ब्रेकिंग करी ना तो ये गिर गई गलती से और लग गई थी, सब कुछ हो गया। तो अब इसको है ना मतलब कि अपन निकल रहे हैं यहाँ से, और इसको है ना सबसे पहले तो अपन को सर्विस सेंटर पर टक के आना है, क्योंकि अभी जब ये सही होगी ना तो ही चलेगी, मतलब कि बहुत यूजफुल है स्कूटी हमारे लिए, बहुत काम आती है। तो देख पा रहे तुम ये अपनी स्कूटी जहाँ से अपन स्टार्ट किया था अपना चैनल को, बिल्कुल मतलब ग्रो किया था, ये जो एक दो वीडियो थी ना शुरुआत की मेरी जो खुद की थी, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया था 2 वीडियो मैंने इस पर निकाली चैनल पर, और मतलब कि इसका एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या बताऊँ तुमको, तो इसको है ना मतलब कि सर्विस सेंटर पर टकाना है, तुमको बताता हूँ इसके अंदर होगा क्या, मतलब कि इसके अंदर तगड़ा खर्चा बनाएगा इसके अंदर भी, क्योंकि है ना इसके अंदर देखो सबसे पहले तो ना इसका यहाँ पे ब्रेक टूट गया, तुमको दिख रहा होगा यहाँ से पूरा ना अंदर तक क्रैक हो गया पूरा, मतलब अलग हो गया यहाँ से ब्रेक, एक तो ये सब चीज़ें चेंज होगी इसकी, यहाँ से ये है ना ये सब चीज़ें टूट गई यहाँ से पूरी इसकी, और यहाँ पे पूरे स्क्रैच वगैरह हो गए बहुत तगड़े वाले, यहाँ आगे तक पूरे स्क्रैच वगैरह हो गए, और सबसे गंदा डैमेज जो है ना वो इस पोर्शन पे हुआ है, इस पोर्शन ना मतलब कि पूरा अंदर घुस गया, ये पोर्शन तुमको दिखाओ ना तो ये पूरा एक्टिवा नहीं कि नहीं है ना, पूरी अंदर घुस गई 6G जो कि अभी ब्रांड है मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ देखो तुम यहाँ भी बहुत गंदी हालत हो गई इसकी। तो इसको सबसे पहले अपन को चलना है मतलब कि मेरे जो जयपुर के पास में जाना पड़ेगा हमको, मतलब कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो अपन मतलब कि 2 बाइक लेके जाएंगे, एक अपनी आरएस लेके जाएंगे, आरएस ओगड़ी, और एक स्कूटी ले जाएंगे, इसको डालेंगे सर्विस सेंटर पे, क्योंकि इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, उसके बाद में स्कूटी मतलब कि होगी स्टार्ट, इसका जो भी चीज़ें टूटी क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर बाइक, तो पहले इसको पटकेंगे मतलब कि इस बाइक से स्कूटी से दोनों चलेगी, इसको एक वो चलाएगा एक मैं चलाऊंगा, तो पहले ये स्कूटी रखेंगे फिर स्कूटी से वापस मतलब कि छोटी स्कूटी छोड़ के और बाइक से वापस आना, तो पहले निकलते हैं अपन जल्दी से और फिर मैं तुमको रास्ते में। तो फाइनली गाइस अपन निकल चुके हैं घर से, और मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि यार मैं उसको हेल्प कर रहा था थोड़ा सा, मतलब कि जो गली वाली है ना वहाँ पे थोड़ी सी वो ज़्यादा थोड़ी ब्रेकर्स वगैरह ज़्यादा, तो मैं थोड़ा हेल्प कर रहा था उसको यार स्कूटी चलाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा चलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसको हाथ में लगी हुई है और जमीन में पैर रखता तो वहाँ पर भी लगी हुई है, तो इसलिए हेल्प कर रहा था, इस वजह से मैंने वहाँ ब्लॉग शूट नहीं किया, वहाँ पर मैंने थोड़ा उसका हेल्प किया क्योंकि ज़रूरी भी था यार वहाँ पे हेल्प करना। तो अब तो थोड़ा ऐसे हाईवे आ चुका है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अब शूट स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो अपन हाल फिलहाल निकले हैं यहाँ से दौसा से, और अपन को जाना है कानों तक जयपुर के पास, तो वहाँ पे जाके है ना उसकी सर्विस होगी अपनी स्कूटी की, और मतलब कि थोड़ा पेपर वर्क होगा यार जैसे कि तुमको पता है, क्योंकि उसमें जो है इंश्योरेंस के अंदर ही सब कुछ चीज़ें सही होगी, तो वहाँ पर जाकर उसका पेपर वर्क होगा, तो पहले पेपर वर्क करना अपन को, उसके बाद में उसका जो पार्ट्स वार्ट्स है वो चेंज होंगे, तो स्कूटी आज तो मिलने वाली है नहीं अपन को, वो अपन को कल या परसों ही मिलेगी स्कूटी। तो अपन जल्दी से शोरूम पहुँचते हैं और चलते हैं अपने रास्ते पे। तो फाइनली अपन यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि अपन को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो पहले से पेट्रोल डलवा लें, तो यहाँ पे अपन पेट्रोल डलवा रहे हैं और फिर चलेंगे अपन हाईवे पे जल्दी से। तो फाइनली भरवा लिया पेट्रोल और 4 डंडी आ चुकी है गाड़ी में बहुत टाइम बाद,
पेट्रोल चार डंडी दिखाया गाड़ी में, वरना तो एम्टी ये इसकी जो डंडी है ना ये ब्लिंक ही करती रहती थी, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पेट्रोल आया इसके अंदर कम से कम 1000 रुपये का तेल है गाड़ी के अंदर, फिर भी 4 डंडी दिखा रही भाई ये। चल लेकिन बढ़िया है, अब उनको यहाँ से टर्न लेके और अपने जयपुर वाला हाईवे जो आता है ना वहाँ पे चढ़ना है, और जयपुर से थोड़ा सा पहले इसका सर्विस सेंटर आएगा वहाँ जाके इसकी सर्विस करवानी है। तो अपन जल्दी से निकलते हैं हाईवे पे और तुमको दिखाते हैं हाईवे के रोड्स। भाई यहाँ पे चल रही है अपनी एक्सीडेंटल स्कूटी 0202। इसके जब नंबर मिले थे ना बहुत खुशी हुई थी, मैंने व्लॉग ही बनाया था इसके नंबर्स वगैरह का, बट यार उस टाइम डाला नहीं यार, मैंने सोचा कि अब बाइक आ गई तो बाइक पर डालते हैं, बट ना मैंने इसके सब व्लॉग्स वगैरह से A to Z चीज़ें बनाई थी। तो अब तुम देख सकते हो इसका एक ब्रेक नहीं है, बाइक लगी हुई एक मतलब कि एक साइड भी गिरा है बंदा, इस साइड भी गिरा मतलब राइट साइड पर गिरा पूरा, तो राइट साइड की कोने पर लगी और राइट साइड के पैर पर लगी है, तो दोनों एक राइट साइड से ना इसके टूटे पड़े हैं पूरे और गाड़ी के पूरे है ना कचरा हो रखा है। तो इस एक्सीडेंट स्कूटी को लेकर चलते हैं, हमको इसको है ना 40 किलोमीटर चलाना है, 40 से 45 किलोमीटर चलाना है इसको, जब जाके हमारा जो शोरूम है वो आएगा। ऐसा नहीं है कि दौसा में शोरूम नहीं है, दौसा में शोरूम है, बट जो इसका एक्सीडेंट है मतलब कि जहाँ से खरीदी भी है ना तो जयपुर नंबर खरीदी, तो वहीं शोरूम से हम प्रेफर कर रहे हैं कि वहीं लेके चले इसको, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी जानकारी भी है, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है जो जैसे एक्सीडेंटल होता है तो वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कम होगा, इस वजह से वहाँ पे लेके चल रहे हैं। वरना स्कूटी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी, बट बस टूटे हुए हैं इसके, तो इस वजह से वहाँ लेके चल रहे हैं हम इसको। तो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये वो कट है 0 तो 4 जहाँ पे मेरे स्कूल आते हैं, यहाँ से कट लेके ना मेरी स्कूल वगैरह आती है, बट अब कोई लेना देना नहीं रहा यार इन चीज़ों से यार। बट जो स्कूल डेज थे ना वो लाइफ टाइम याद रहने वाले होते हैं भाई, सब सोचते हैं कि कॉलेज में चलते हैं, कॉलेज में मजे होंगे, ये होगा वो होगा, भाई तुमको रियल एक ट्रुथ बताऊँ, जो स्कूल्स के अंदर अभी कॉलेज में कोई मजे नहीं होते भाई, हम फील कर रहे हैं मतलब कि कोई रूटीन नहीं रहता स्कूल में, तो एक रूटीन रहता है कि आज स्कूल जाना है कल जाना है संडे की छुट्टी है दैट्स ऑल, बट भाई हमारी लाइफ में ना कोई रूटीन नहीं है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार जो स्कूल डेज होते हैं ना वो गोल्डन डेज होते हैं भाई, और बहुत अच्छे थे वो दिन यार, आई मिस देम। तो भाई हाल फिलहाल थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुका है लक्ष्मी पैलेस, और ये जो हाईवे भाई 5-स्टार होट मतलब कि वो है होटल है, और यहाँ पे मतलब कि कोई भी बड़ा कोई आता है ना लोग मतलब कि जो चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। ये 5-स्टार होटल है मतलब कि दौसा का इकलौता ऐसा होटल है जो 5-स्टार है, और ये मतलब कि इसके जो अंदर से है ना पूरा ताजमहल जैसा बना हुआ है, मतलब कि जो मार्बल से पूरा बना हुआ है। तो गाइस फाइनली आ चुका है अपने आगे टोल प्लाजा, तो अपना तो कटेगा नहीं क्योंकि मेरी बंदी ने मेरा बहुत काटा है ना, तो अपन को तो साइड से लेना है और निकलना है यहाँ से। बाइक्स के लिए तो टोल तो कटता नहीं है यहाँ पे, बट अपन को तो साइड से निकलते हैं और चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जो बाइक्स टू व्हीलर्स होते हैं ना उनका टोल यहाँ पे नहीं कटता है, जो 4-व्हीलर होते हैं, जो बड़े ट्रक होते हैं, ऑटो वगैरह होते हैं उनका रिफ्यूज़ कर देते हैं, ऑटो रिफ्यूज़ कर देते हैं, बाकी जो होते हैं सबका टोल वगैरह कटता है भाई। यहाँ पे इतनी सी गली बनाई गई है ये कि है ना जिसमें से मतलब कि ऑटो निकल जाए और बाइक्स निकल जाए, तो इसी गली वजह से यहाँ से हमको लेना पड़ रहा है, वरना वहाँ पे जो VIP नंबर कार्स होती है ना जिनकी बातचीत होती है तो वहाँ से निकलती भाई उस लेन से बातचीत वाली गाड़ियाँ, तो कर लिया क्रॉस और अब फाइनली अपन पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में हाईवे भी, वहाँ पे भी मैं ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर रहा है तुमको बोर ना हो इस वजह से, वरना तो बहुत सारी क्लिप है क्योंकि बहुत बड़ा रूट है यहाँ से, तो मैं शूट ही नहीं कर रहा खुद ही जिससे तुम बोर वगैरह ना हो। थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा राइड कर लिया था यार, मेरे को इतनी आदत भी नहीं राइड करने की, तो थोड़ा सा रेस्ट लिया उसके बाद में वापस अपनी राइड शुरू, और अब तो डायरेक्ट जाके सॉरी सेंटर पर रुकेंगे अपन, तो अपन चलते हैं। मैं क्या थोड़ा राइड स्लो कर रहा हूँ हाईवे पर क्योंकि यार मेरे दोस्त है ना वो थोड़ा लगा हुआ है, तो उसको तो मैं थोड़ा धीरे धीरे राइड कर रहे हैं हम कोई फास्ट राइड नहीं कर रहे, फिर 40-50 चला रहा हूँ, 40-50 से ऊपर नहीं चला रहा मैं खुद भी। ये रही अपनी एक्सीडेंटल स्कूटी, तो इसको डाल के आते हैं, बहुत दूर आना पड़ा यार इसके लिए यार, क्योंकि इसका सर्विस सेंटर बहुत दूर है यार, इस वजह से यहाँ इतना दूर तक आना पड़ा। जयपुर ना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है जहाँ से जयपुर की कान होता है बोलते हैं इसको, तो अपन को यहाँ से ना राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेने के बाद अंदर जाना है, फिर उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसके बाद जो अपना जो शोरूम है एक्टिवा का वो शोरूम आ जाएगा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं भाई होंडा के सर्विस सेंटर पे, यहाँ पे लगाते हैं अपनी गाड़ी एक को और एक को डालते हैं अंदर, डायरेक्ट ही अंदर डालिए भाई ने,
और चलते हैं भाई, देखते हैं क्या होगा इसका। स्कूटी वगैरह सब दे दी है और जो उसका इंश्योरेंस वगैरह होगा उसका प्रोसेस है 10 दिन का बताया है, तो 10 दिन के अंदर वो प्रोसेस वगैरह पूरा होगा। तो 10 दिन के लिए तो ये मान लो मतलब कि स्कूटी उन्होंने बोला 10 दिन के अंदर अंदर होगा, तो 10 दिन तक स्कूटी मान लो गई स्कूटी वगैरह, तो और उसमें टाइम लगेगा और यहाँ तक आने के लिए भी इतना टाइम लगा। तो मैं मतलब कि जो अपना प्रोसेस था पूरा हो गया। और ये कि मैंने इसलिए इस वीडियो का ब्लॉग बनाया मतलब कि इसका, क्योंकि यार ये मेन रोल प्ले किया था जब मेरा मतलब कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने इस पर 2-3 ब्लॉग्स निकाले थे। तो मैं होप करता हूँ जो तुमको वीडियो की अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो तुमको पता है वीडियो को लाइक करना है।